हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस। बहुत ही आसानी से और बहुत ही लाजवाब टेस्टी, एकदम बढ़िया वाला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ली है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है दोस्तों कलर के लिए, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और अब हम 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब आप हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर दें। दोस्तों हम इसमें कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ जो रेड चिली है वो कश्मीरी यूज़ की है ताकि इसमें अच्छे से रंग आ जाए, अदरवाइज़ आर्टिफिशियल कलर हम यूज़ नहीं करेंगे। इसे हम 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं। अब हमें इसे डीप फ्राई करना है तो ऑयल ले लिया है मैंने पैन में। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम 1-1 करके पीसेस इसमें डाल देंगे और पहले मीडियम आँच पर इसको पकने देंगे। जैसे ही हमारा जो चिकन है थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाए, उसमें रंग चेंज होने लगे, आप इसको फ्लिप कर दें और एक बार थोड़ा सा रंग तेज हो जाए तो आप इसको जो है तेज आंच पे इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए चिकन हमारा ऑलमोस्ट फ्राई होकर तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। हम एक बड़ा पैन लेंगे, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन। 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली है और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। इसको हल्के से सॉटे कर लेते हैं। जैसे ये हल्का सॉटे हो जाए हम इसमें डाल देंगे स्प्रिंग अनियन। तो छोटे छोटे से मैंने अनियन काट दिए हैं, आप चाहे तो नॉर्मल जो प्याज है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ग्रीन वेजेस। तो मैं इसमें डाल रही हूँ कैरेट, बेबी कॉर्न, कॉर्न और बीन्स। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और हल्का से इसे सॉटे करेंगे। हम वेजिटेबल्स को सॉटे फुल आंच पे करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा पके नहीं और क्रंची बने रहें। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर को मिक्स करने के बाद आप जो वेजिटेबल्स है उसको थोड़ी सी साइड में हटाकर बीच में स्पेस कर लें। यहाँ पे हम जो है एग रोस्ट करेंगे, तो एग जो है उसकी भुर्जी बनानी है हमें। तो मैंने 2 अंडे लिए हैं और ये हम इस तरह से डाल देते हैं। अब इसमें भी हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर जो है स्प्रिंकल कर देंगे और इसको हम अच्छे से स्क्रम्बल्ड एग तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसे फेंट लें और हमारा ये स्क्रम्बल्ड एग तैयार हो गया। जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाए आप इसको पूरा मिक्स कर दें। तो ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुक्ड राइस। तो मैंने 3 कप कुक्ड राइस लिए हैं, ऑलमोस्ट एक बाउल है बड़ा, और अच्छे से खिले खिले चावल हमने पका के लिए हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काले मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। अब जो हमने फ्राई करके रखी हुई चिकन है वो भी इसमें डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, यानी कि जो हरे प्याज होते हैं वो डाले हैं। और अब इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लें ताकि जो ये मसाला है ये पूरी तरह से राइस के साथ कोट हो जाए और उसमें पूरा अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो बस दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ हमने बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस तैयार कर लिया है। बहुत टेस्टी है, एक बार आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। आई एम श्योर कि ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।